मिलती हूँ आपको इस चैनल पे। हम तैयार हैं। GDRFA ने विजिट वीजों की मुद्दत में तौसी से मुतल्लिक अहम बयान दे दिया। दुबई के फरमारवा और अमारत के सदर और नायब वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन राशिद ने टूरिस्ट वीजों की मुद्दत में एक माह की तौसी का ऐलान कर दिया है। अच्छी खबर ये है कि इस एक माह की तौसी पर कोई हुकूमती फीस वसूल नहीं की जाएगी, ये सहूलत मुफ्त में हासिल होगी। इस रियायती मुद्दत का मकसद इन सयाहों को रिलीफ देना है जो कोरोना की नई किस्म सामने आने के बाद कई ममालिक की जानिब से फ्लाइट्स ऑपरेशन मुअत्तल किए जाने के बायस अमारात में ही फंस कर रह गए हैं। वीजे में तौसी के इस फैसले से मुत्तहिदा अरब अमारात में नए साल के आगाज में गैर मुल्की खानदानों और सयाहों को मदद मिलेगी। इस सिलसिले में दुबई के वीजों के इजरा से मुतल्लिक इदारे GDRFA की जानिब से ऐलान किया गया है कि वो शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के विजिट वीजों में तौसी से मुतल्लिक हुक्मनामे पर फौरी तौर पर अमल दरामद करने के लिए तैयार हैं। GDRFA की जानिब से ट्विटर अकाउंट पर शेख मोहम्मद बिन राशिद की तस्वीर के साथ इनके हुक्मनामे की तफसीलात भी दी गई हैं और इसके साथ GDRFA दुबई इज रेडी का हैशटैग लगा दिया गया है, जबकि अरबी जबान में की गई ट्वीट में वर्ल्ड कूलेस्ट विंटर का हैशटैग इस्तेमाल किया गया है, जिसमें अथॉरिटीज की जानिब से अमारात में मौसम सरमा के दौरान जारी सियाहती मुहिम का तस्करा किया गया है, जिसका मकसद अमारात के इन खूबसूरत सियाहती मुकामात से रोशनास करवाना है जो अभी तक लोगों की नजरों से पोशीदा है। नाजी न्यूज सुनने का शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।